शांति। आज की तारीख है 22/11/15 और आज हम फिर से प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 7/3/81 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है शांति स्वरूप के चुंबक बल। शांति स्वरूप की स्थिति नहीं परंतु स्थिति चुंबक के समान हो, तो शांति स्वरूप के चुंबक बल चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। मीठे मीठे बाप दादा उवाच। आज होलीएस्ट बाप होली हंसों से मिलने आए हैं। परम पवित्र शिव बाबा और मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा दोनों ही हम बच्चे जिनको मीठे बाप दादा कहते हैं होली हंस, तो होली हंसों से मिलन मनाने आए हैं। ये न्यारा और प्यारा मेला सिर्फ तुम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अनुभव कर सकती हो और अभी ही अनुभव कर सकती हो। बच्चों के स्नेह का रेस्पॉन्ड देने के लिए बाबा आए हैं। बच्चों ने स्नेह का रेस्पॉन्ड सेवा में संगठित रूप में सहयोग का दिखाया। बाबा कहते बच्चों ने अपना स्नेह का रेस्पॉन्ड सेवा में संगठित रूप में सहयोग देके दिखाया। अगर हमें किसी को अपना सहयोग देना दिखाते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा उन व्यक्तियों से स्नेह है। बाप दादा स्नेह रूपी संगठन को देख अति हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा हम बच्चों के संगठन को देख अर्थात आपसी हमारे स्नेह को देख अति हर्षित हो रहे हैं। लगन से प्रकृति और कलयुगी आसुरी संप्रदाय के विघ्नों को पार कर निर्विघ्न कार्य समाप्त किया। इस सहयोग और लगन के रिटर्न में बाप दादा बच्चों पर बधाई के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि संगठन के कारण और स्नेह के कारण प्रकृति और कलयुगी आसुरी संप्रदाय की व्यक्तियों के जो भी विघ्न आए उन सभी विघ्नों के कार्यों को पार कर कार्य को निर्विघ्न समाप्त किया। तो इस सहयोग और लगन के रिटर्न में बाप दादा सभी बच्चों का सम्मान करते हुए पुष्पों की वर्षा बधाई की कर रहे हैं। बाप का कार्य सो मेरा कार्य, इस ही लगन से सफलता की मुबारक हो। बाबा कहते हैं सबकी एक ही लगन देखी कि ये बाप का कार्य है, तो बाप का कार्य सो मेरा कार्य, तो उनको सफलता मिली और इस सफलता की बाप दादा मुबारक देते हैं। यह एक संगठन की शक्ति का पहला कार्य अभी आरंभ किया है। बाबा कहते हैं संगठन में क्या ताकत होती है और सफलता कितनी प्राप्त होती है, ये पहला कार्य अभी आप बच्चों ने आरंभ किया है। तो सभी सदा स्नेह में रहने वाले, हर कार्य में सदा सहयोगी, मोहब्बत से मेहनत को खत्म करने वाले, सदा अथक
बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा विघ्न विनाशक ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्य वरदान के रूप में। तो वरदान है सहन शक्ति के द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। बाबा कहते हैं कि सहन करना मरना नहीं है। हाँ, कई समझते हम सहन करते हैं, हम कितना मरते हैं, कौन देखता है हमको, लेकिन बाबा कहते हैं सहन करना मरना नहीं है। सभी ये बात याद रखें। लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है, क्योंकि देखने वाले, सुनने वाले, साथ रहने वाले जब ये बात समझेंगे तो उनके दिल में सहन करने वाले के प्रति स्नेह बनता है, स्नेह उत्पन्न होता है। तो जैसे वो स्नेह से उनके दिलों में जीते हैं। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है। सभी ने ध्यान से सुना, इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाना है बाप दादा के इन महावाक्यों को याद रखते हुए। सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी तो कुछ करे, अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो, यही है सेवा भाव। उनके प्रति भी रहम भाव रखो। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते हैं, उनका सामना नहीं करते। अच्छा स्लोगन है आज का, जो बीत चुका उसको भूलते जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। अच्छा, ओम शांति।